हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं क्रेजी स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 2018 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन जी GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दरवाज़ा बंद जो कि आपके बाथरूम रिलेटेड और अभियान है, जिसमें हम लोग बाथरूम गेट बंद करके करने से बीमारियां कम फैलेगी उसके रिलेटेड ये अभियान है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी, पोलियो। उसके बाद है डीडी किसान एक चैनल है जिसमें किसान को बताया जाता है कि वो कैसे खेती किया जाए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। वन प्लस एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, चाइनीज मोबाइल फ़ोन कंपनी। और लास्ट है मुथूट फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी है जो कि पैसा फाइनेंस करती है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। अब बात करते हैं हम महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम इलेवन एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग क्रिकेट में ये कॉन्टेस्ट खेलते हैं। उसके बाद है सीनियर नेशनल टेनिस टूर्नामेंट, टाइटन सोनाटा घड़ी की कंपनी है उसके भी हैं। स्नीकर्स चॉकलेट, काफ़ी फेमस चॉकलेट है स्नीकर्स चॉकलेट, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर ये रहते हैं। इंडिगो पेंट और नेटविट्स एक ऐप है, फार्मेसी ऐप है जिसके थ्रू हम लोग मेडिकल्स को खरीद सकते हैं, आपके घर तक पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली की। तो वो है पंजाब नेशनल बैंक के हैं। अमेरिकन टूरिस्ट जो कि एक बैग्स बनाती है, लगेज बनाती है। उस तीसरा है फिलिप्स इंडिया और उबेर एक कंपनी है जो टैक्सी प्रोवाइड करती है, जो डिफरेंट सिटीज़ में टैक्सी वगैरह प्रोवाइड करती है। और लास्ट है उनका रेडमी फ़ोन, चाइनीज फ़ोन है जिसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। अब बात करते हैं हम माधुरी दीक्षित जी की। तो माधुरी दीक्षित जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है, माँ अभियान और इंटेक्स मोबाइल। देखिए, इसको याद करने का एक तरीक है, माधुरी माँ, माँ से आएगा माँ, बेटी माँ, मतलब कि अगर आपका माँ से रिलेटेड कुछ भी है तो वो माधुरी दीक्षित जी हैं। ठीक है, और इंटेक्स फ़ोन के भी माधुरी दीक्षित जी हैं। अब बात करते हैं पाँचवा प्रियंका चोपड़ा का। तो प्रियंका चोपड़ा स्किल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है और यूनिसेफ की। ठीक है, आलू अर्जुन जो कि एक साउथ कैरेक्टर हैं, वो फ्रूटी और रेडबस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रेडबस भी एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग बस की बुकिंग करते हैं, बस वगैरह की बुकिंग होती है। अब बात करें कैटरीना कैफ की। तो कैटरीना कैफ लेंसकार्ट और ट्रॉपिकाना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेंसकार्ट एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस या लेंसेस मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं फ्रेम वगैरह। ट्रॉपिकाना तो आप जानते ही हैं, फ्रूट जूस की कंपनी है। अब बात करते हैं कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की, जैसे कि जो नए अपॉइंट हुए हैं। वर्लपूल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं कृति सेनन जी और सुशांत सिंह राजपूत। बाटा के अभी कृति सेनन जी को चुना गया है और स्मृति मंदाना जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की। ठीक है, PC ज्वेलर्स उसके ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो आप जानते ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं शोएब अख्तर। सिक्किम एक स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं AR रहमान। वीवो एक चाइनीज फ़ोन, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। ओप्पो उसका है दीपिका पादुकोण। एक है आसूस का है दिशा पटानी एक एक्ट्रेस है, उसके ब्रांड एम्बेसडर है दिशा पटानी आसूस। हुंडई कार उसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, जो पहले से थे उनको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अब बात करते हैं स्वच्छ रेलवे मिशन की है विंदेश्वरी पाठक। निर्मल भारत की है विद्या बालन। स्वच्छ साथी अभियान के दिया मिर्जा। देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्वच्छ रेलवे मिशन और स्वच्छ
साथी अभियान। देखिए स्वच्छ रेलवे मिशन में है विंदेश्वरी पाठक और स्वच्छ साथी अभियान अभियान में है दिया मिर्जा। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया के हैं हमारे पीएम जी नरेंद्र मोदी। ठीक है, पेप्सिको पेप्सिको कंपनी के पीवी सिंधु हैं और ब्रिजस्टोन इंडिया उसके भी पीवी सिंधु हैं। ठीक है, अब और एक है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा जी हैं। दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी पूछा जाएगा और जो ग्रुप डी का होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा और अदर्स बैंक वगैरह एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसको ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें।